अखिल भारतीय असम राइफल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन का 5वां वार्षिक अधिवेशन पालमपुर की नगरी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 500 से अधिक नेपाल व भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भूतपूर्व सैनिकों व वीर नारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में दोहरी कमांड को समाप्त करना, जिसका दिल्ली उच्च न्यायालय में केस चला हुआ था, उस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अखिल भारतीय असम राइफल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन का 5वां वार्षिक अधिवेशन पालमपुर में पालमपुर के नगरी में संपन्न हुआ। सम्मेलन 500 से अधिक नेपाल व भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भूतपूर्व सैनिकों व वीर नारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दोहरी कमांड को समाप्त करना, जिसका दिल्ली उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं तथा निकट भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में सेवा काल के दौरान शहीद हुए जवानों व वीर नारियों कर्नल कुलदीप सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय असम राइफल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के महासचिव रिटायर्ड सूबेदार बीटी राय ने कहा कि असम राइफल दोहरी कमांड चल रही है, जिस कारण असम राइफल के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पेंशन में भी काफी अंतर है और पे कमीशन की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुबदार वी टी राय, रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी असम राइफल्स एक्सरिसमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। ये 5वां एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा है हमारा नगरी में। असम राइफल्स 184 ईयर्स पुराना फौज है, जिनका जो है ड्यूअल कमांड चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन है MHA के अंदर, डिफेंस के अंदर है ऑपरेशन कंट्रोल, जो इनका इतना रिकॉर्ड है, गैलेंट्री अवार्ड सबसे ज़्यादा ले रखा है किसी भी आर्मी यूनिट से, और इनका जो है सही जगह इंडियन आर्मी के अंदर आना चाहिए, लेकिन ड्यूअल कमांड के कारण सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन में हर जवान JSU ऑफिसरों का 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस है। जब हम काम करते हैं आर्मी के अंदर, आर्मी लीडरशिप में, जो हमारे DGR जो बन के बैठे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, मेजर जनरल IGR में रहते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, सेक्टर कमांडर, कॉलोनल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं यूनिटों को, और हमारे जो असम राइफल्स के ऑफिसर्स हैं, AR कैडर ऑफिसर्स, जो कि CPO में आने से वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल तक का रैंक में जाना चाहिए था, असम राइफल्स में आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में रहने के कारण ये कमांडेंट रैंक यानी कि कॉर्नल रैंक तक जाते हैं, लेकिन इनको कमांड नहीं दिया जाता है। तो हमारा जो है लड़ाई है, जो 5 साल हो चुके हैं, हमने सरकार से करीब कई करस्पोंडेंट्स किए, प्रधानमंत्री को मिले हैं, मतलब करस्पोंडेंट्स किए, और 34 मीटिंग किए डिफेंस मिनिस्टर 2 बार, आर्मी चीफ, होम, सभी से। तो अभी जो है कोर्ट में हमें जाना पड़ा 27 नवंबर 2017 को, और कोर्ट से ऑर्डर जा रखा है वेरी स्पेसिफिक CCS को, यानी कि सेंट्रल CCS को जा रखा है कि इमीडिएटली जो है इनको एक सॉल्यूशन दिया जाए ड्यूअल कमांड के ऊपर। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारा अगला हियरिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में 19 नवंबर 2019 को, तब तक सरकार एक पक्का इसका एक डिसीजन लेगा, और हम चाहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी के तहत रखा जाए। इसके अलावा आपके क्या और मुद्दे हैं? और मुद्दे यही है, क्योंकि ड्यूअल कमांड केवल हमें इंडियन आर्मी में जाना ही नहीं है, लेकिन कंप्लीट फैसिलिटी जो 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक हमें मिलता था, 4th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 1 जनवरी 1986 से बिना कोई सोचे समझे हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया। लेकिन इतने साल हो गए, ना ही हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की दे रही फैसिलिटी, ना कि आर्मी की।